दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में हुए थे ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बेहतर समझ डेवलप हो जाए और अच्छे से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है। तो किसका मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेट यानी राज्य का। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, राज्य से मतलब ये यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना इनसे नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर सिंपली जो भारतीय राज्य हम कहते हैं ना, भारतीय राज्य उससे मतलब है। तो भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का, तो स्टेट से इसको कन्फ्यूज, कहीं कहीं हमने टर्म देखी होगी जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वहाँ पर राज्य जो है पूरे राष्ट्र के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? तो जिस जगह पर भूमिहीन खेतिहर मजदूर नहीं मिलेगा वो सिचुएशन क्या है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 में से सेलेक्ट करना है, और सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश भी देख लो। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ओनली। एज अ सुपरवाइजर इन अ गारमेंट फैक्ट्री, कोई अगर सुपरवाइजर के तौर पर गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इसकी संभावना है कि वो खेतिहर मजदूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के तौर पर अगर वो काम कर रहा है तो उसकी अच्छी खासी सैलरी होगी और जो उसकी जॉब है वो परमानेंट होगी। ऐसा नहीं है जैसे जो मजदूर होते हैं उनकी टेम्प्रेरी जॉब होती है। लेकिन अगर बाकी की बात करें, मेकिंग बास्केट्स एट होम, उनका भी काम कोई फिक्स नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम कर रहा है तो उसका भी काम कोई फिक्स नहीं है, कब तक उसे काम मिलेगा, परमानेंट जॉब नहीं है। पिकिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। खेतिहर मजदूर क्या है? खेतिहर मजदूर जो है वो है जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरों के खेतों पर काम करता है, और उसके दूसरों के खेतों पर वो काम करता है सिर्फ उसी टाइम पीरियड पर जब खेती रहती है, यानी 4-5 महीने के लिए लगभग खेती का काम उसको मिलता है। बाकी का जो टाइम होगा ना, उसको फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए बाकी अदर काम करने पड़ेंगे। तो ये अदर काम ही है जो कि खेती से अलग वो करेगा पैसे कमाने के लिए। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है ये बाकी के काम हैं जो वो खेतिहर मजदूर करेगा। तो संभावना कम किसकी है? एज अ सुपरवाइजर इन अ गारमेंट फैक्ट्री, अगर वो काम कर रहा है, उसकी परमानेंट जॉब है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी भूमि मतलब मजदूरी करने की खेत में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था और उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश, और अभी हम देख लेते हैं सही ऑप्शन इसमें क्या रहेगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट बट ए इज़ इनकरेक्ट। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। हिंदी में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि ये जो है एक तरह से हवा प्रदूषित हो गई थी ना, गैस ट्रेजेडी जब हुई तो इसमें हवा थी जो कि दूषित कर दी इसने त्रासदी के थ्रू। गैस लीक हुई थी ना, तो गैस लीक हुई तो वो हवा में मिल गई और जिससे कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो तभी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का जीने का जो अधिकार होता है ना, उसमें आर्टिकल 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार के अंदर आता है और ये एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है जीवन जीने का अधिकार, तो उसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। अब क्यों ये शामिल है? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी, मतलब हमारी जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी या फिर तुरंत हो जाएगी अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो। मृत्यु हो जाएगी इसका मतलब लाइफ डेंजर में आ जाएगी, तो लाइफ डेंजर में आ जाएगी तो हमारा जो राइट टू लाइफ है वो तो छिन जाएगा ना हमसे। तो इसी वजह से ये प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया सुप्रीम कोर्ट ने। ए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। देखो कानून तो थे पहले भी, लेकिन उनको सख्ती से पालन नहीं किया जाता था जितना अब किया जाने लगा है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? 3 यहाँ पर स्टेटमेंट में से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
ऑप्शन से पहले इंग्लिश और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड। दो सही है यहाँ पर, ए और बी। सेटिंग अप अ चाइल्ड केयर सेंटर, ये एक तरह से इक्वलिटी दिखाता है, जेंडर इक्वलिटी, अगर आप चाइल्ड केयर सेंटर बनाते हो। और इक्वल पे, यानी कि जो विमेन है और मैन है दोनों को इक्वली पे किया जाए, ऐसा ना हो विमेन को कम पे किया जाए, तो तभी इक्वलिटी आ सकती है, जेंडर इक्वलिटी तभी आ सकती है। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया है, अजर्शन एंड रीज़न, और सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों सही है यहाँ पर। बहुत से कार्यस्थलों पर में पुरुष की तुलना में महिलाओं को प्राय कमतर भुगतान किया जाता है, जैसा कि हमने पीछे देखा, जो पेमेंट है वो विमेन को कम की जाती है आदमी को मिलने के लिए। तो ये बात सही है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ये कारण दिया है। अब देखो, कम पे किया जाता है विमेन को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक रूप में जो है पुरुष तगड़े होते हैं इसलिए पे किया जाता है। हालांकि ये बात सही है कि पुरुष जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भुगतान किया जाता है वो उनको उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो ये गलत है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन गलत दी गई है। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, ये कहलाता है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा, एक क्वेश्चन आया था मतलब पिछली वीडियो में, तो शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड था, सेपरेशन ऑफ पावर्स से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, शक्तियों का बंटवारा। सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अभी उनको हर किसी का फील्ड अलग है काम करने का, तो वो कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इसी वजह से उनको जो है अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, उसी को कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय पेरेंट्स और गार्जियंस। तो देखो, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो है पेरेंट्स या फिर गार्जियंस का कर्तव्य बताया गया है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये ऐड किया गया था 2002 में। गार्जियन वो होते हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं जो बच्चे को पालते पोसते हैं, तो वो गार्जियन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडर वॉट सर्कमस्टांसिस डज द जुडिशरी इन इंडिया हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, व्हेन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में आ जाता है, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो उल्लंघन कर रहा है कानून, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। ये न्यायपालिका के पास ये पावर होती है, इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाज में कुछ समूहों का हाशियाकरण संभावनीय है क्योंकि वे, हाशियाकरण से मतलब मार्जिनलाइजेशन, और ये मार्जिनलाइजेशन हमने पढ़ा था पॉलिटी में, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो 2 चैप्टर में करवाए हुए हैं, पढ़ सकते हैं। और कुछ समूहों का इसमें मार्जिनलाइजेशन हो जाता है क्योंकि वे, क्या रीज़न है हाशियाकरण का, रीज़न क्या है वो बेसिकली हमें बताना है। तो सही ऑप्शन से पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, रीज़न मार्जिनलाइजेशन का क्या होता है, किस वजह से मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी। सी को छोड़ करके तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, भिन्न भाषा वो बोलते हैं इसलिए हो सकता है। मान लो कि भाई आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, हिंदी आप बोलते हो, आपके पास ईस्ट से कोई आ जाता है, ईस्ट से कोई असमीज़ बोल रहा है या फिर कोई और लैंग्वेज बोलता है, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको अलग थलग आप रखोगे क्योंकि उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी भाषा वो नहीं समझ पाएगा। मुख्यधारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, जैसे कि आदिवासियों के साथ होता है, आदिवासी अपने कल्चर को बचाए हुए हैं, अलग प्रथाओं का वो अनुसरण करते हैं, अलग अलग उनके कल्चर कस्टम्स हैं, तो वो इस वजह से हाशियाकरण का शिकार हो जाते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से हो सकते हैं, जैसे कि भाई कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि ज़्यादा संख्या में हैं, कुछ कम्युनिटी कम संख्या में है, तो जो कम संख्या वाली हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, उनको अलग थलग किया जा सकता है।
ए बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखो ये ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है, गलत कहाँ पर पूछा है और सही कहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आदिवासीज लॉस ओनली सोर्स ऑफ इनकम व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में, हालांकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सही में आते हैं क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर देखो ये मतलब है इसमें, ये मतलब ऐसे दिख रहा है इंग्लिश वाले में, लेकिन हिंदी वाले में कुछ अलग ही मतलब दिख रहा है कि जब आदिवासी जो है विस्थापित हुए अपनी जगह से, उनको अपनी जगह से हटाया गया, तो सिर्फ उन्होंने इनकम का स्रोत खोया, इसका मतलब ये है दिखा रहा है इसमें, लेकिन हिंदी वाले में कुछ अलग ही दिखा रहा है। आदिवासी को जब विस्थापित किया जाता है तो उनको आय का एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। तो सिर्फ देखो आय का ही स्रोत नहीं छिनता है, बाकी चीज़ें भी छिन जाती हैं जो कि आप और ऑप्शंस में देख सकते हो। तो बाकी जो है 1, 3 और 4 ये तो सही है, जैसे कि जब उनको विस्थापित किया जाता है तो वे प्राय गरीबी के अभाव में, गरीबी और अभाव के जाल में फंस जाते हैं और परंपराएं और प्रथाएं गंवा देते हैं, साथ ही साथ बागानों में मजदूरों और घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो बेसिकली जो इसका मतलब, वैसे तो इंग्लिश वाले में ही ठीक थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि यहाँ पर मतलब दिया जा रहा है कि सिर्फ वो खोते हैं क्या अपना सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी बाकी चीज़ें वो खोते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी सेकेंड वाली। गलत और सही जरूर आप नोटिस कर रहे हैं इसमें जो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।